दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं अपने चैनल का नाम यूट्यूब पर सर्च करता हूँ तो फर्स्ट नंबर पर मेरा चैनल और मेरे बहुत सारे वीडियो शो हो रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल को फर्स्ट नंबर पर कैसे ला सकते हैं, जिससे आपका जो भी वीडियो आप अपलोड करोगे तो आपका सर्च बॉक्स के अंदर फर्स्ट नंबर पर आएगा और उन पर बहुत सारे व्यूज भी आने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप अपने चैनल को फर्स्ट नंबर पर लाना चाहते हैं तो आपको सबसे बड़ी दो बातों का ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आपको क्या करना है फर्स्ट नंबर पर, तो आपका जो भी चैनल का नाम है वो बड़े यूट्यूबर का कॉपी किया हुआ नाम नहीं होना चाहिए। और दूसरा नाम ये है कि आपको एक अच्छा सा नाम रखना है जो कोई भी आपका जो सर्च कर सके यूट्यूब पर। तो दोस्तों आपको ऐसा ही कुछ नाम रखना है जो अच्छा सा आपके यूट्यूब का नाम रख देना है चैनल का, और आपको किसी भी बड़े यूट्यूबर का कॉपी नहीं करना है। अगर दोस्तों आप अपने यूट्यूबर बड़े यूट्यूबर का नाम, जैसे कि मनोज डे का चैनल है, आप उसका चैनल का नाम कॉपी करोगे तो आपका कभी भी सरस बॉक्स के अंदर नहीं आएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो नाम है, मैंने लिखा है मिस्टर मनोज गुरु। तो दोस्तों ये मेरा नाम है जो यूट्यूब पर किसी ने अभी तक नहीं लिखा है, तो ये मैंने लिखते ही मेरे सरस बॉक्स के अंदर यूट्यूब पर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इसको लाने के लिए एक और सेटिंग आपको करनी पड़ती है, जिससे आपके वीडियो भी वायरल होंगे, आपके चैनल पर बहुत सारे व्यूज भी आएंगे और आपका जो भी चैनल कोई भी सर्च करेगा तो फर्स्ट नंबर पर रैंक करने लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस प्रकार ये कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और वहां जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप अपना चैनल फर्स्ट नंबर पर ला सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने चैनल को सर्च बॉक्स के अंदर फर्स्ट नंबर पर लाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर के अंदर अपना YT स्टूडियो ओपन करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर दिया, यहाँ पर सर्च किया www.youtube.com। अब दोस्तों यहाँ पर क्रोम ब्राउजर के अंदर सर्च करने के बाद आपको इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट के अंदर ओपन कर देना है, जो कि लैपटॉप की तरह। अगर दोस्तों आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप इसे मोबाइल के अंदर लैपटॉप की तरह इसे वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ही आपका जो चैनल का लोगो है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर योर माई चैनल पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर चैनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमाइज योर चैनल का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। देन गाइज ये क्लिक करने के बाद जो भी आपका जो YT स्टूडियो होगा वो क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपका YT स्टूडियो के अंदर ओपन हो सकता है या क्रोम ब्राउजर के अंदर, ये वेबसाइट खुल सकती है जो डेस्कटॉप साइट के अंदर होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप साइट के अंदर YT स्टूडियो ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको एक चैनल का ऑप्शन मिलेगा, उस चैनल पर आपको क्लिक कर देना है। देन गाइस चैनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो मोबाइल जो चैनल की सेटिंग है वो यहाँ शो हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जिस कंट्री से आप है उसको सेलेक्ट कर दीजिए। मैं इंडिया से हूँ तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो मोबाइल के अंदर जो कीवर्ड हो गए वो यहाँ पर कीवर्ड एक भी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों मैंने पहले से ही बहुत सारे कीवर्ड ऐड किए हुए हैं। तो दोस्तों आपको भी इसी प्रकार कीवर्ड को ऐड कर देना है। अब दोस्तों कॉमा लगाकर आपको कीवर्ड बहुत सारे यूज कर देने। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कीवर्ड आपको कैसे यूज करना है। आपका जो भी चैनल है, जो चैनल का नाम है, उसको 3-4-10 प्रकार के कीवर्ड बनाकर यहाँ पर लिख देने हैं। लिखने के बाद आपका जो भी चैनल होगा वो सर्च बॉक्स के अंदर आएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका वीडियो फर्स्ट नंबर पर नहीं आ रहा है तो जिस कैटेगरी का आप वीडियो बनाते हैं आपको दो तीन उसी कैटेगरी के आपके जो चैनल के अंदर कीवर्ड को यूज करना है, जिससे आपके चैनल पर जो वीडियो है वो फर्स्ट नंबर पर आने लगेगा। फिर दोस्तों आपको सेव पर क्लिक कर देना है। देन गाइस आपको 4-5 वीडियो अपलोड कर देना है। वीडियो अपलोड करने के बाद आपका वीडियो जो आपका चैनल है वो रैंक करने लगेगा, तभी आपका चैनल फर्स्ट नंबर पर आने लगेगा। अगर दोस्तों आप अपने वीडियो को अपलोड करते हैं तब आपके चैनल का नाम आपको उस चैनल के
जो वीडियो होता है उसके अंदर आपको एंटर कर देना है, जिससे आपके जल्द से जल्द आपका चैनल है जो फर्स्ट नंबर पर आने लगेगा। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे।